बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। चैप्टर नंबर 12 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, और टॉपिक जो हमने स्टार्ट किया हुआ है वो है सॉल्यूशन ऑफ ओब्लिक ट्रायंगल्स। अच्छा, अभी तक तो हम दो केसेस स्टडी कर चुके हैं, केस वन और केस टू। ठीक है, अब हम केस थ्री की तरफ आते हैं। ये लास्ट केस है इसका। तो केस थ्री में हमें क्या गिवन है, क्या फाइंड करना है वो हम देखते हैं। केस नंबर थ्री, केस थ्री है कि अगर हमें व्हेन मेजर्स ऑफ थ्री साइड्स आर गिवन। मतलब कि हमें तीनों की तीनों साइड्स ही गिवन है। ठीक है, कोई एंगल नहीं गिवन, तीनों की तीनों साइड्स ही गिवन है। और बाकी हमने फाइंड क्या करना होगा, ऑब्वियस सी बात है कि वो तीन एंगल्स हमने फाइंड करने होंगे। ठीक है, तो इसको किस तरह से हमने सॉल्व करना है उसका हम सॉल्यूशन भी देखते हैं। दो तरह के मेथड्स हैं इसके, जिस तरह से हमने पहले भी पिछले केस टू में भी देखा कि हमारे पास दो मेथड्स थे। ठीक है, तो इसमें भी हमारे पास दो मेथड्स हैं। एक तो ये है कि हम लॉ ऑफ कोसाइंस यूज़ करें। ठीक है, लॉ ऑफ कोसाइन। उसके अलावा सेकंड मेथड ये हो सकता है कि जो हमने हाफ एंगल फार्मूलाज स्टडी किए थे, ठीक है, वो हम यूज़ कर सकते हैं। दी हाफ एंगल फार्मूलाज, उसको यूज़ करते हुए हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा करते हैं कि हम इसकी भी एग्जांपल के साथ हम इसको समझते हैं। एग्जांपल हम ये लेते हैं कि लेट्स सपोज हमारे पास एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, मैं स्टेटमेंट लिख देता हूँ। क्वेश्चन के तौर पे हम इसको ले लेते हैं, सॉल्व द ट्रायंगल ए बी सी by using law of cosine। ठीक है, आपको स्पेसिफिक भी किया जा सकता है। ठीक है, कि आपने यानी कि यूज़ ही सिर्फ लॉ ऑफ कोसाइन करना है, या फिर आपको ओपनली कहा जाए कि कुछ भी आप यूज़ करके वैसे इसको सॉल्व कर दें, तो आप लॉ ऑफ कोसाइन भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर हाफ एंगल फार्मूलाज भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कहा गया है आपको कि लॉ ऑफ कोसाइन आपने यूज़ करना है, और आपको गिवन क्या क्या है, व्हेन ए इज इक्वल टू 7, बी इज इक्वल टू 3 एंड सी इज इक्वल टू 5। तो ये तीनों साइड्स की मेजरमेंट्स आपको गिवन है। आपने बाकी की यानी कि तीन एंगल्स आपने फाइंड करने, तो वो हम किस तरह से यूज फाइंड करेंगे, लॉ ऑफ कोसाइन यूज करते हुए। लॉ ऑफ कोसाइंस देखें, कॉज ऑफ अल्फा के लिए भी हमने देखा, कॉज ऑफ बीटा के लिए भी, कॉज ऑफ गेमा के लिए भी, आप उसमें से कोई भी एक आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं पहला ही यूज़ करता हूँ, कॉज ऑफ अल्फा। कॉज ऑफ अल्फा इक्वल किसके होता है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2bc। ठीक है, तो इसमें हम बी सी और ए ये जो हैं, ये साइड्स हैं ट्राइंगल की, जो कि हमें गिवन है, उसकी मेजरमेंट्स गिवन है, तो हम इसमें उनकी वैल्यूज पुट करते हैं। बी स्क्वेयर यानी कि 3 का स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर मतलब कि 5 का स्क्वेयर प्लस बल्कि माइनस ए स्क्वेयर आ गए। ठीक है, तो माइनस ए स्क्वेयर यानी कि 7 का स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 2 इंटू बी 3 और सी की जगह उसकी वैल्यू 5 इज इक्वल टू कॉज ऑफ अल्फा आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अब 3 का स्क्वेयर 9 हो जाएगा प्लस 5 का स्क्वेयर 25 माइनस 7 का स्क्वेयर 49 और 2 इंटू 3 इंटू 5 इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं
तो ये हमारे पास बनेगा 30। ठीक है, अब यहाँ से इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास कॉस अल्फा की वैल्यू आएगी, कॉस ऑफ अल्फा इज इक्वल टू आएगा -1/2। ठीक है, तो यहाँ से हमने तो अल्फा फाइंड करना है ना, क्योंकि एंगल हमने फाइंड करना है, तो एंगल की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम कॉस इनवर्स ले लेंगे, कॉस इनवर्स ऑफ -1/2 क्या होता है, ये आप कैलकुलेटर से फाइंड कर सकते हैं, तो अल्फा इज इक्वल 120 डिग्रीज आएगा आपके पास। ठीक है, तो यानी कि हम एक एंगल की वैल्यू फाइंड कर चुके हैं। ठीक है, एक एंगल हम उसकी मेजरमेंट हम फाइंड कर चुके हैं। अब इसी तरह से हम एक और लॉ ऑफ कोसाइन यूज़ करें और सेकंड एंगल हम फाइंड कर सकेंगे, क्योंकि कोई और ऐसा मेथड नहीं है कि हम 180 यानी कि सम ऑफ एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्रीज वाला वो यानी कि वो इक्वेशन भी नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि अभी तक हमारे पास सिर्फ एक एंगल आया है। ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं कि एक और लॉ ऑफ कोसाइन यूज़ कर लेते हैं जिसमें सेकंड एंगल हो, यानी कि बीटा हो या फिर गैमा हो, कोई भी उसमें से हम यूज़ कर लेते हैं। तो मैं ऐसा करता हूँ कि बीटा के लिए फाइंड कर लेता हूँ, कॉस ऑफ बीटा इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2ca। ठीक है, तो इसमें इसकी वैल्यूज पुट करेंगे, सी की वैल्यू है 5 और उसका स्क्वायर 25 हो जाएगा, और ए स्क्वायर यानी कि ए की वैल्यू 7 है तो उसका स्क्वायर 49 हो जाएगा, और इसी तरह से बी जो है वो 3 है और 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 इंटू सी इंटू ए, सी 5 है और ए जो है वो 7 है। तो इस तरह इसको भी सॉल्व करके हमारे पास कॉस ऑफ बीटा की वैल्यू आएगी जो के होगी 0.9286। ठीक है, हमने यहाँ पर बीटा फाइंड करना है इसलिए हम यहाँ पर कॉस इनवर्स ले लेते हैं, कॉस इनवर्स ऑफ 0.9286 और हमारे पास बीटा की वैल्यू कॉस इनवर्स कैलकुलेट करने से आएगी 21 डिग्रीज एंड 47 मिनट्स। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है दो एंगल्स अब आ चुके हैं। अब हम थर्ड एंगल चाहें तो सम ऑफ एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री वाली इक्वेशन से फाइंड कर सकते हैं, या अगर हम चाहें तो थर्ड जो है हमारे पास जो लॉ ऑफ कोसाइन है यानी कि कॉस ऑफ गैमा वो अप्लाई करके हम गैमा भी फाइंड कर सकते हैं। तो हम ऐसा करते हैं कि लॉ ऑफ कोसाइन तो हम दो दफ़ा यूज़ कर चुके हैं, तो इसमें हम सम ऑफ एंगल्स वाला जो वाली इक्वेशन है वो हम अप्लाई करते हैं, तो उससे होगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू, अल्फा की जगह उसकी वैल्यू जो हमने फाइंड की है, अल्फा हमने फाइंड किया था 120 डिग्रीज हमारे पास आया था। ठीक है, 120 डिग्रीज प्लस बीटा, बीटा अभी हमने फाइंड किया जिसकी वैल्यू है 21 डिग्रीज एंड 47 मिनट्स, और प्लस गैमा, गैमा तो हमने फाइंड करना है। ठीक है, और ये इक्वल होगा 180 डिग्रीज के, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्रीज माइनस 120 डिग्रीज माइनस 21 डिग्रीज एंड 47 मिनट्स। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करने से हमारे पास जो गैमा की वैल्यू आएगी वो होगी 38 डिग्री एंड 13 मिनट्स। ठीक है, तो ये हम तीनों के तीनों एंगल्स फाइंड कर चुके हैं। ठीक है, अल्फा की वैल्यू हमारे पास आई थी 120 डिग्री, और उसके अलावा बीटा की वैल्यू 21 डिग्री एंड 47 मिनट्स, और इसी तरह से गैमा की वैल्यू 38 डिग्री एंड 13 मिनट्स। ठीक है, तो ये था इसका सलूशन, सिंपल सा क्वेश्चन था कि हमें तीन साइड्स गिवन है, तीन साइड्स की मेजरमेंट गिवन है, और हमने बाकी के एलिमेंट्स यानी कि बाकी एलिमेंट्स क्या रह जाते हैं, तीन एंगल्स रह जाते हैं, वो हमने फाइंड करने थे। ठीक है, तो और वो हमने उसका मेथड देखा कि हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं लॉ ऑफ कोसाइंस यूज़ करते हुए। ठीक है, तीनों के तीनों आप लॉ ऑफ कोसाइंस यूज़ कर सकते हैं, या फिर दो लॉ ऑफ कोसाइंस यूज़ कर लें और थर्ड वन एंगल फाइंड करने के लिए आप सम ऑफ एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्रीज वाली इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं। और सेकंड मेथड पे अब आते हैं, सेकंड मेथड भी हमने देखा था, सेकंड मेथड क्या था,
हाफ एंगल फार्मूलाज, यानी कि उसका भी हम यूज़ कर सकते हैं बाकी तीन एंगल्स फाइंड करने के लिए, यानी कि इस केस के लिए जब हमें तीन साइड्स की मेजरमेंट गिवन होगी। ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं कि एक और एग्जांपल करते हैं जिसमें हम हाफ एंगल फार्मूलाज जो हैं वो अप्लाई करें, और ताकि हमें उस चीज़ का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि हम किस तरह से हाफ एंगल फार्मूलाज को यूज़ करेंगे। ठीक है, तो सेकंड एग्जांपल हम इसकी एक क्वेश्चन ही ले लेते हैं, सॉल्व दी ट्रायंगल एबीसी बाय हाफ एंगल फार्मूलास। और हमें गिवन क्या होगा, तीनों साइड्स गिवन होगी। ठीक है, ए साइड जो है वो हम ले लेते हैं 283 उसकी मेजरमेंट। ठीक है, और बी साइड 317 और इसी तरह से सी साइड 428। ठीक है, ये तीनों साइड्स की मेजरमेंट्स मैंने ले ली। अब हमने इसको सॉल्व करना है इस ट्रायंगल को। ठीक है, और हमें बताया गया है कि ये एक ओब्लीक ट्रायंगल है, ओब्लीक ट्रायंगल है, और हमने इसको जो है सॉल्व करना है, और उसका सोल्यूशन ही हम देख रहे हैं ओब्लीक ट्रायंगल का सोल्यूशन, और केस थ्री चल रहा है इसका। ठीक है, तो केस थ्री में हम जो है पहले तो हमने लॉ ऑफ कोसाइंस की एप्लीकेशन देखी कि हम लॉ ऑफ कोसाइंस किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, किस तरह से उसको यूज़ करके बाकी तीन एंगल्स फाइंड कर सकते हैं। अभी हम देख रहे हैं कि हाफ एंगल फार्मूलाज किस तरह से हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, हाफ एंगल फार्मूलाज देखें तो आप पहले पढ़ चुके हैं, टेंजेंट के भी, साइन के भी, कोसाइन के भी। ठीक है, उसमें से कोई एक आप अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ पर टेंजेंट के हाफ एंगल फार्मूलाज जो है वो अप्लाई करता हूँ। ठीक है, आप साइन के भी कर सकते हैं, कोसाइन के भी कर सकते हैं। ठीक है, तो वो आप पर डिपेंड करता है आपको कौन सा ईजी लगता है या कौन सा आप अप्लाई करना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले तो हाफ एंगल फार्मूलाज के लिए उसमें जो है एस आ रहा होता है। ठीक है, एस जो हमने सपोजिशन की थी हाफ एंगल फार्मूलाज के लिए वो किसके इक्वल, यानी कि टू एस हमने सपोज किया था ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि तीनों साइड के सम को हमने सपोज किया था टू एस के इक्वल। ठीक है, तो 2s अगर इन तीनों साइड्स का सम है तो इसकी मेजरमेंट हमें गिवन है, तो यहाँ से हम s फाइंड कर लेते हैं। s इज इक्वल टू होगा a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो a साइड 283 है, 283 प्लस 317 प्लस 428 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू s। यहाँ से हमारे पास s की वैल्यू जो है वो आ जाएगी 514। ठीक है, तो ये हमने एस कैलकुलेट कर लिया। ये हमने कैलकुलेट क्यों किया, क्योंकि हमारे पास जो हाफ एंगल फार्मूलाज हैं उसमें एस जो है वो सिंबल आ रहा होता है, उसकी वैल्यू हमने फाइंड कर ली ताकि हम वहाँ पर आसानी से यूज़ कर सकें। अगर नहीं भी आप फाइंड करना चाह रहे तो वहाँ पर आपको जो है इस तरह एस की जगह फिर तीनों साइड्स का सम लिखना पड़ेगा, ए प्लस बी प्लस सी करके सॉल्व करना पड़ेगा। इसलिए अच्छा है कि सेपरेटली आप पहले जो है एस की वैल्यू फाइंड कर लें और फिर वहाँ पर जाके आसानी से उसमें अप्लाई कर दें। ठीक है, तो ये मैंने एस की वैल्यू फाइंड कर ली। उसके अलावा हम हाफ एंगल फार्मूलाज में क्या क्या आ रहा होता है, चलिए पहले ऐसा करते हैं कि हाफ एंगल फार्मूला ही लिख लेते हैं ताकि हमें आसानी हो समझने में कि हमें उसमें क्या क्या रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो मैं टेंजेंट का हाफ एंगल फार्मूला लिखता हूँ। टेंजेंट ऑफ अल्फा बाय 2 इक्वल होता है एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी डिवाइडेड बाय एस इंटू एस माइनस ए और उसके ऊपर स्क्वायर रूट। ठीक है, अब यहाँ से देखें ना, अब आपके पास यहाँ पर एस आ रहा है तो इसकी वैल्यू मैं पहले से कैलकुलेट कर चुका हूँ। अदरवाइज आप कैलकुलेट ना करें तो यहाँ पर एस की जगह ए प्लस बी प्लस सी बार बार लिख कर उसकी वैल्यूज पुट करके आपको सॉल्व करना पड़ेगा, वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कह लें या फिर थोड़ा लेंथी बन जाएगा। ठीक है, तो उसकी कैलकुलेशन थोड़ी कॉम्प्लेक्स बन जाएगी। तो यहाँ पर एस हम एस की वैल्यू डायरेक्टली 514 अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा आप देखें एस माइनस बी आ रहा है यहाँ पर, एस माइनस सी आ रहा है, एस माइनस ए आ रहा है। अगर आप चाहें तो इसको भी आप सेपरेटली जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं ऐसा करता हूँ कि एस माइनस ए की वैल्यू भी फाइंड कर लेता हूँ। ठीक है, एस माइनस बी की वैल्यू फाइंड कर लेता हूँ और एस माइनस सी की वैल्यू सेपरेटली फाइंड कर लेता हूँ। तो एस माइनस ए क्या बनेगा,
एस की वैल्यू है 514 माइनस ए, ए साइड तो आपको गिवन है ना, जो कि 283 उसकी यानी कि मेजरमेंट है, तो 514 माइनस 283 करेंगे एस माइनस ए की वैल्यू आ जाएगी जो कि इक्वल आएगी 231 के। उसके बाद हम एस माइनस बी फाइंड करते हैं, एस माइनस बी यानी कि 514 माइनस बी, बी की वैल्यू है 317 इज इक्वल टू आ जाएगी 197 के। ठीक है, तो अब थर्ड वन क्या है, एस माइनस सी हम फाइंड करते हैं, एस माइनस सी इज इक्वल टू 514 माइनस सी, सी की वैल्यू भी हमें गिवन है 428। ठीक है, तो ये भी इक्वल आ जाएगी 96 के। अब ये वैल्यूज जो हैं वो इस फार्मूला में मैं अप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, तो टेंजेंट ऑफ अल्फ़ा बाय टू, क्योंकि अल्फ़ा तो हमें पता नहीं है ना, इसकी वैल्यू तो हम यहाँ पर नहीं पुट कर सकते, तो टेंजेंट ऑफ अल्फ़ा बाय टू इज़ इक्वल टू एस माइनस बी है, एस माइनस बी की जगह उसकी वैल्यू आ जाएगी, ये है एस माइनस बी जिसकी वैल्यू है 197 इंटू क्या है, एस माइनस सी साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो एस माइनस सी की वैल्यू क्या है हमारे पास 96 जो हम कैलकुलेट कर चुके हैं। ठीक है, डिवाइडेड बाय एस इंटू एस माइनस ए है। ठीक है, एस की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, हमने पहले कैलकुलेट की थी 514। ठीक है, 514 इंटू आ जाएगा एस माइनस ए, एस माइनस ए की वैल्यू भी हम कैलकुलेट कर चुके हैं जो कि है 231। देखें कितनी आसानी होगी इसमें कि हमने पहले सेपरेटली हर एक यानी कि एक्सप्रेशन की हर एक टर्म की वैल्यूज़ हमने फाइंड कर ली और हमने यहाँ पर आकर फार्मूला में सिंपली पुट कर दी। ठीक है, अब यहाँ से हम इसको कैलकुलेट करेंगे, तो टेंजेंट ऑफ अल्फ़ा बाय टू किसके इक्वल आएगा, अगर इसको कैलकुलेट किया जाए तो हमारे पास आएगा 0.377। ठीक है, और हमें तो वैल्यू रिक्वायर्ड है अल्फ़ा की, तो उसके लिए हम टेंजेंट को ऐसा करते हैं राइट साइड पे ले जाते हैं, तो ये टेन इनवर्स बन जाएगा, अल्फ़ा बाय टू इज़ इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ 0.377। तो यहाँ से अल्फ़ा बाय टू इक्वल आएगा, अगर इसको आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करें टेंजेंट इनवर्स ऑफ 0.377 को, तो आपके पास वैल्यू आएगी 20 डिग्री एंड 42 मिनट्स। ठीक है, और अल्फ़ा कैलकुलेट करने के लिए इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो अल्फ़ा की वैल्यू आएगी 41 डिग्री एंड 24 मिनट्स। ठीक है, तो ये वैल्यू रिक्वायर्ड थी हमें अल्फ़ा की, एक एंगल हमारे पास आ चुका है। इसी तरह से आप बाकी एंगल्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो बाकी एंगल्स हम कैलकुलेट करने के लिए भी हाफ एंगल फार्मूला, क्योंकि हम हाफ एंगल फार्मूला से ही सॉल्व कर रहे हैं इस क्वेश्चन को, तो मैं सेकंड वन जो है टेंजेंट बीटा बाय टू अप्लाई करता हूँ, इज इक्वल टू किसके होता है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं वो आपको याद भी होना चाहिए, एस माइनस सी इंटू एस माइनस ए डिवाइडेड बाय एस इंटू एस माइनस बी के स्क्वायर रूट के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम देखें, अब यहाँ पर भी कितनी आसानी होगी हमें कि हम पहले से जो है एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी और एस की वैल्यूज़ फाइंड कर चुके हैं, अब हम सिंपली यहाँ पर पुट करेंगे वो वैल्यूज़। ठीक है, तो टेंजेंट ऑफ बीटा बाय टू इज इक्वल टू एस माइनस सी है, उसकी वैल्यू है 96 और उसके साथ एस माइनस ए मल्टीप्लाई हो रहा है, और एस माइनस ए की वैल्यू हम पहले से कैलकुलेट कर चुके हैं जो कि 231 और उसके बाद डिवाइडेड बाय एस है 514 उसकी वैल्यू है, और साथ में एस माइनस बी की वैल्यू आ जाएगी 197। इसके ऊपर होल स्क्वायर रूट है। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको अगर सॉल्व करें तो टेंजेंट ऑफ बीटा बाय टू इक्वल आएगा 0.4429 के। ठीक है, और यहाँ से आप टेन इनवर्स लेके फिर टू से मल्टीप्लाई करके आप बीटा इसका कैलकुलेट कर सकते हैं, और बीटा हमारे पास आएगा 47 डिग्रीज एंड
46 मिनट्स, ठीक है। तो ये हमारे पास सेकंड एंगल भी आ चुका है। थर्ड एंगल आप जो है उससे कैलकुलेट कर सकते हैं टेंजेंट ऑफ गामा बाय 2 से भी, यानी कि हाफ एंगल फार्मूला से ही। लेकिन मैं यहाँ पर ऐसा करता हूँ कि सम ऑफ एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, जो इक्वेशन हम यूज़ करते आए हैं अभी तक उसी को मैं यूज़ करूँगा। तो यहाँ से गामा इज इक्वल टू बनेगा 180 डिग्री माइनस अल्फा माइनस बीटा, ठीक है। तो यहाँ से अल्फा और बीटा की वैल्यूज पुट करते हैं। 180 डिग्री माइनस अल्फा है जो हमने कैलकुलेट किया है 41 डिग्री एंड 24 मिनट्स, ठीक है। और इसी तरह से बीटा जो है वो हमने कैलकुलेट किया 47 डिग्रीज एंड 46 मिनट्स। तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो गामा की वैल्यू आएगी 90 डिग्रीज एंड 50 मिनट्स, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास तीनों एंगल्स की वैल्यूज आ चुकी हैं। तो ये था सॉल्यूशन ऑब्लिक ट्रायंगल्स का केस 3 के अंदर, ठीक है। केस 3 में भी सेकंड मेथड, उससे पहले हमने मेथड वन, यानी कि इस लेक्चर में हमने दोनों मेथड्स को स्टडी किया, लॉ को साइंस को यूज़ करते हुए भी। यानी कि केस हमारे पास ये था कि तीनों साइड्स हमें गिवन थी, ठीक है, और अब बाकी हमने तीनों एंगल्स फाइंड करने थे। तो उस केस में हमारे पास दो मेथड्स आते हैं, लॉ ऑफ को साइंस या तो आप यूज़ कर लें या फिर हाफ एंगल फार्मूलाज यूज़ कर लें। तो मैंने लॉ ऑफ को साइंस को यूज़ करते हुए भी पहली एग्जाम्पल सॉल्व की, ठीक है, और दूसरी एग्जाम्पल को मैंने हाफ एंगल फार्मूलाज को यूज़ करते हुए सॉल्व किया, ठीक है। तो ये सोल्यूशन आपको समझ आना चाहिए। अगर नहीं समझ आया तो ये वीडियो आप दोबारा से रिवाइज कीजिए, ठीक है, क्योंकि इसके अलावा इसकी और एक्सप्लेनेशन नहीं आ सकती। तो यहाँ पर इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 12.6 को कवर करेंगे।